हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डक डॉट डाइम प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर रहे हो तो मैं 2 डेज़ बैक एक पोस्ट डाला था, मैं DDIM टोकन को परचेज कर रहा करके। इस पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर डक डॉट डाइम प्लेटफॉर्म क्या है, इस होम स्क्रीन में देखा तो बहुत सारा रिटर्न्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉइन्स में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है, उसमें हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं विद अ लाइव डेमो आपको दिखा दूंगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देख लीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, ये डक डॉट डाइम प्लेटफॉर्म क्या है। सो ये एक इंक्यूबेटर प्लेटफॉर्म है। सो इसमें क्या होता है कि हम सबको पता है बहुत सारा मेजर प्रोजेक्ट जब एक्सचेंजेस में लिस्ट होता है, IEO चलता है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, उससे पहले ही उसमें बहुत सारा बड़ा इन्वेस्टर्स उसमें प्राइवेट सेल में टोकन्स को परचेज करते हैं विद लेसर प्राइस। सो ये डक डॉट प्लेटफॉर्म में क्या करता है, नॉर्मल प्राइवेट सेल्स में ओनली 4 or 5 इन्वेस्टर्स रहते हैं, बिग अमाउंट रेज करते हैं। सो इस पर्टिकुलर डक डॉट डाइम में इस टाइप का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अप्रोच करके ये ग्रुप, इस जो भी इस डक डॉट डाइम कम्युनिटी में पार्ट है, वो सारा मेंबर्स इस पर्टिकुलर सेल्स, प्राइवेट सेल्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वो इसका मेजर क्राइटेरिया है। सो बेसिकली अदर बिग इन्वेस्टर्स के अलावा इस हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है तो प्राइवेट सेल में वो सारा प्राइवेट सेल्स में कैपिटल रेज करता है। सो इस पर्टिकुलर डक डॉट डाइम प्लेटफॉर्म में हम देख सकते हैं प्रीवियसली लिस्टेड प्रोजेक्ट जो है, सो सारा प्रोजेक्ट्स अच्छा परफॉर्म किया है। सो रिसेंट वन बॉन्डली है, सो इसने 14x मिला रिटर्न्स एट हायर प्राइस। सो प्रीवियस वन बेस है, इसमें ऑलमोस्ट 147 टाइम्स रिटर्न मिला है। सो अगर आप इसमें $500 एलोकेशन इसमें मिला तो आप इमेजिन कीजिए कितना रिटर्न्स हो सकते हैं आपका, 147 टाइम्स है गए। सो परसेंटेज नहीं है वो। देन गीक एंड डीफाई पाई, सो इसमें भी 27% रिटर्न्स मिला है। सो इसका मतलब अगर आपके पास 500 का इन्वेस्टमेंट है तो 27 टाइम्स किया तो देख सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट। सो अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चाहिए। सो उससे पहले इस डक डॉट प्लेटफॉर्म इतना पंप क्यों हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स इतना हाइप क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोमोटर्स, प्रोजेक्ट सपोर्टर्स बहुत स्ट्रांग है। सो देख सकते हैं पोर्टफोलियो प्रोमोटर्स एंड इसके साथ साथ ये पर्टिकुलर YouTube प्रमोटर्स भी देख सकते हैं। आइवन ऑन टेक एंड बॉक्स माइनिंग इसका ऑफिशियल पार्टनर्स है। सो जो भी प्रोजेक्ट्स इसमें लिस्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर YouTube चैनल में एक ना एक वीडियो में उसका डिस्कशन चलेगा। सो ऑब्वियसली हम सबको पता है आइवन ऑन टेक वीडियो में कोई भी टॉक कॉइन के बारे में डिस्कस किया तो उस टोकन का प्राइस कैसे ऊपर जाता है। सो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतना हाइप चल रहा है। एंड उसके साथ साथ ये रिसेंटली एक द फाउंड्री करके ग्रुप फॉर्म हुआ, इसमें डक डॉट डाइम एंड फेरियम नेटवर्क दोनों पार्टनर होके न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा है। सो ये फेरियम नेटवर्क में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सिमिलर टू ये डक डॉट डाइम ही है, इसमें भी एक इंक्यूबेटर टाइप का है। सो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अगर बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में वीडियो रिक्वेस्ट किया तो। सो अगर आपको फेरियम नेटवर्क के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेडिकेटेड वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसमें भी मैं डिफरेंट टायर्स क्या है, किस ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, वो सारे डिटेल्स और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो अभी हम बात करते हैं डक डॉट डाइम के बारे में। सो फर्स्ट थिंग, इसमें हम ये पर्टिकुलर सेल्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो भी सेल्स इसमें चल रहा है वो पब्लिक सेल्स नहीं है गाइस, सारा प्राइवेट सेल्स है। सो हम सबको पता है प्राइवेट सेल टोकन्स को वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड मतलब आप अगर $500 इन्वेस्ट किया तो फर्स्ट डे में लिस्टिंग टाइम में आपको $500 वर्थ ऑफ टोकन्स नहीं मिलेगा, आपको परसेंटेज ऑफ टोकन्स मिलता है। सो आप देख सकते हैं रिसेंटली बॉन्डली टोकन सेल में जो भी डक डॉट डाइम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया उसमें टोकन का प्राइस था प्राइवेट इस पर्टिकुलर डक डॉट डाइम कम्युनिटी के लिए $0.02 एंड इसका रिलीज फेज था थ्री रिलीज फेजेस में हुआ। इनिशियल जो है मार्केट में जब उसका लिस्टिंग हो रहा है उस टाइम में 50% टोकन लिस्ट रिलीज हो गया, रिमेनिंग 25% एवरी मंथ रिलीज हुआ। सो टोटल 3 months टाइम फ्रेम में आपका टोटल टोकन मिलेगा। ये ओनली बॉन्डली के वेस्टिंग पीरियड है गाइस, बाकी सारा अदर प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट रहता है प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसका पूल्स का टोकन सेल प्राइवेट सेल का आ रहा है। सो इसका डिटेल्स अभी रिलीज होने वाला है बट कितना अलोकेशन किस ग्रुप के लिए वो सारा डिटेल्स अभी अनाउंस होने का अभी टाइम है। सो अभी हम इस पर्टिकुलर
सेल्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग, इसका डकडॉट कम्युनिटी का इनर टेलीग्राम ग्रुप है, सारा जो भी ऑफर्स अलोकेशन जो कलेक्शन सारा इसका एक्टिविटीज ओनली थ्रू टेलीग्राम चलते हैं। सो आपके पास टेलीग्राम होने का ज़रूरी है एंड उस टेलीग्राम के पास आपके पास BDIM टोकन्स भी होल्ड करना है, तभी इसको आपको इस पर्टिकुलर इनर ग्रुप्स में एंट्री मिलता है। सो हम देख सकते हैं क्राइटेरिया 10 DDIM टोकन्स है तो आपको डकडॉट फाइट क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 200 DDIM है तो बीच क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। सेम वे 2500 जेंटलमैन्स क्लब है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सो अभी इसका मेजर डिफरेंस ये कि है, सो फाइट क्लब में जो भी मेंबर्स है उसको सारा मेंबर्स को कुछ एलोकेशन नहीं मिलता है, ओनली 10-15 मेंबर्स को थ्रू लकी ड्रॉ एंड थ्रू सोशल मीडिया एक्टिविटीज एलोकेशन मिलेगा इन फाइट क्लब। सो नेक्स्ट वन है बीच क्लब। सो बीच क्लब में आप मेंबर है तो 200 DDIM टोकन्स आपके वैलेट में होने का जरूरत है एंड अगर बीच क्लब में आप एक मेंबर हो तो आपका इसमें भी गारंटीड एलोकेशन नहीं है, इसमें ओनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में मिलेगा। सो अभी बीच क्लब में अराउंड 750 मेंबर्स इसमें ग्रुप में है, अगर उसमें टोकन एलोकेशन में अराउंड 200 स्लॉट्स अवेलेबल है तो ओनली फर्स्ट जो 200 स्लॉट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसी यूजर्स को एलोकेशन जो है मिलेगा। सो देन जेंटलमैन्स क्लब में गारंटीड एलोकेशन है, जो भी इसमें 2500 DDIM टोकन होल्डर्स है उसको गारंटीड स्पॉट मिलेगा प्राइवेट सेल में एंड इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है। सो मैं अभी बीच क्लब में ज्वाइन हुआ है, सो बट आप रिसर्च करके तभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी के हिसाब से बीच क्लब का वर्थ है अराउंड 2500 और $2,600 वर्थ ऑफ टोकन्स, आपका DDIM टोकन्स वैलेट में होल्ड करना तभी आपको बीच क्लब में एंट्री मिलता है। सो फर्स्ट थिंग अभी आपको डेमो दिखा दूंगा इस पर्टिकुलर क्लब्स में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके वैलेट में जिस भी क्लब में आप ज्वाइन कर रहे हो उतना अमाउंट ऑफ DDIM टोकन्स आपका मेटामास्क वैलेट में होना ज़रूरी है। सो अभी फर्स्ट थिंग मेरा वैलेट में मुझे बीच क्लब में ज्वाइन करना है, सो मेरे पास अराउंड 267 DDIM टोकन्स अवेलेबल है मेटामास्क में। अभी मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, सो अब अगर क्रिप्टो स्पेस में अगर है आप एंड आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा न्यू अनाउंसमेंट्स बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हमको टेलीग्राम से ही मिलता है। सो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। मेरा चैनल अभी ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि मैं भी कुछ पोस्ट डालता हूँ अनाउंसमेंट्स। सो अभी वंस आप टेलीग्राम जाने के बाद टेलीग्राम में डकडॉट एंड लॉबी ज्वाइन करना होगा इस टेलीग्राम ग्रुप, इसमें पिंड मैसेज रहेगा, उस पिंड मैसेज में आप स्क्रॉल किया तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लब ज्वाइन करने का लिंक है। सो मुझे बीच क्लब में ज्वाइन करना है, बीच क्लब के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे एक बॉट का चैट बॉक्स ओपन होगा, ये कोलैबोरेशन बॉट है। सो इसमें मुझे स्टार्ट करके क्लिक किया तो मुझे एक वैलेट कनेक्ट करके वेरिफिकेशन करना होगा। सो इस बॉट का मेजर एक्टिविटी ये है कि अगर मेरा वैलेट में 200 DDIM टोकन्स अवेलेबल है या नहीं वो इसमें वैलिडेशन करता है। सो वंस में कनेक्ट करने के बाद मेरा जो भी वैलेट में 200 DDIM टोकन्स है उस वैलेट को मुझे वैलिडेट करना है एंड अगर मेरे पास 200 टोकन्स अवेलेबल है तो मुझे वो डकडॉ बीच क्लब ज्वाइन करने का लिंक दिया आएगा, अगर नहीं है तो मुझे एरर मैसेज दिखेगा। सो अभी आपको डेमो दिखा दूंगा, मेरे वैलेट में 200 टोकन्स अवेलेबल है। सो कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, सिंपल एक लिंक आएगा, सो उसको आप ब्राउजर में ओपन करना होगा जिस ब्राउजर में आपके पास मेटामास्क में बैलेंस है। सो अगर मैं सेलेक्ट किया, मेरा वैलेट लोड हो गया, वैलेट कनेक्टेड सक्सेसफुली, यू कैन क्लोज दिस विंडो। सो वंस मुझे क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा वैलेट में जो भी है इसमें मेरा प्रोसेसिंग सक्सेसफुली होके वेलकम मैसेज भी आ गया। सो इसमें ज्वाइन ग्रुप बटन के ऊपर क्लिक करके मैं इस पर्टिकुलर बीच क्लब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ। सो जस्ट मुझे अभी ज्वाइन ग्रुप में क्लिक करना होगा एंड मैं अभी इधर देख सकते हैं अराउंड 722 मेंबर्स ऑलरेडी डकडॉ बीच क्लब में अवेलेबल है। सो ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो मुझे बीच क्लब डकडॉ का इनर कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकता है। सो अभी जो भी इसमें पूल्स का प्राइवेट सेल आ रहा है, जो भी फ्यूचर सेल्स आ रहा है इस ग्रुप में मुझे अनाउंसमेंट्स आएगा कैसे पार्टिसिपेट करना, उसका डिटेल्स, उसका एलोकेशन, सारा डिटेल्स मुझे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। सो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना है एंड उस पर्टिकुलर टोकन सेल में पार्टिसिपेट करना है तभी आपको एलोकेशन होगा। सो आप जस्ट इस ग्रुप में ज्वाइन किया तो आपको एलोकेशन नहीं होगा, सो कंटिन्यूअसली इस ग्रुप को फॉलो करते रहना है। सो ये गाइस कंप्लीट डेमो इस पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशन। सो अभी आप देख सकते हैं अनदर थिंग, इस पर्टिकुलर टोकन सेल में जो भी बॉन्डली में सेल में पार्टिसिपेट किया अभी उसका लिस्टिंग प्राइस में अराउंड 14x हुआ है $0.3 के पास अभी, बट इसका अराउंड 10x और 5-7x के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, सो विच इज़ गुड थिंग। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में सेल किया तो भी आपको इजीली 9-10x का प्रॉफिट मिला होगा। सो
बट इसमें ओनली आपको 50% लिस्टिंग टाइम में रिलीज हुआ, बाकी जो है अदर टाइम्स में हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल बीच क्लब में बॉन्डली सेल में जो भी पार्टिसिपेट किया उसको $500 वर्थ ऑफ एलोकेशन मिला है। सो इस $500 में 50% जो है रिलीज हुआ है लिस्टिंग के टाइम में, 50% मतलब $250 वर्थ ऑफ टोकन लिस्टिंग में हुआ है। सो अगर आप इसको 10x प्रॉफिट में सेल किया तो 10x प्राइस में सेल किया तो आपका रिटर्न्स हो गया इनटू 10 अराउंड $2,500 आपको इधर ही प्रॉफिट मिल गया। सो एक अच्छा बेनिफिट है। सो इस पर्टिकुलर $2,500 आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही मिल सकता है अगर आपको एलोकेशन हुआ तो। एंड आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया अराउंड $2,600, बट अभी के हिसाब से टोकन प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा तो आप बैड है। सो आपको टोकन सेल्स में पार्टिसिपेट करना है तभी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। ओनली आपको DDM टोकन होल्ड किया तो वैलेट में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा टोकन सेल्स में पार्टिसिपेट करके। आप देख सकते हैं बॉन्डली में पार्टिसिपेट किया तो आपको ईजिली $2,500 का रिटर्न्स मिल रहा था। सो एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट इसमें गया आपको वापस आ गया एंड आपके पास अभी भी 200 DDM टोकन्स रहेगा एंड इसका नेक्स्ट पूल्स टोकन सेल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ऐसा मल्टीपल सेल्स विद इन लास्ट वन मंथ 2 सेल्स हुआ ऐसे आप कमिंग डेज में प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट करके ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। सो इसका मेरा मेजर इंटेंशन टू बाई DDM यही है। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके इसका जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा एंड उसमें से मैं अर्निंग करके और मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो इंक्रीज करते जाऊंगा। सो ये है मेरा मेन इंटेंशन, वही है। सो अभी फर्स्ट अलोकेशन में आपको 2500 मिला एंड वन मंथ के बाद आपको 25% और रिलीज होगा, अनदर मंथ के बाद और 25% रिलीज होगा एंड आपको अराउंड अनदर $1,000 तो इजीली मिल जाएगा। सो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैं इतना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। सो अभी रिसर्च करके तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए एंड आप आइडिया रख लीजिए। सो बीच क्लब में आप जो मेंबर है तो आपको गारंटीड एलोकेशन नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हो सकता है। सो आपको इसमें एक दो एलोकेशन हुआ तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वापस आ जाएगा एंड आप लॉस लेने के लिए रेडी रहे क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉइन $3 टू $12 इंक्रीज हुआ विद इन December 1st टू December 12th। सो 2 वीक्स टाइम फ्रेम में 3 टाइम्स हुआ। सो लॉस होने का चांसेस भी है, उसके लिए भी आप रेडी रहना तभी आप इस पर्टिकुलर टोकन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल ओवर DuckDuckGo, फुल डिटेल्स विद द डेमो एंड आप इसका फ्यूचर प्रोजेक्ट जो पूल्स का है इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसका टोकन इकोनॉमिक्स इसमें कितना रिटर्न्स मिल सकते हैं वो सारे डिटेल्स में अदर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो मिस नहीं करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन एनेबल कीजिए। सो ये गाइस आज का वीडियो। सो ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है, नए नॉलेज सीखने को दिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक एंड ओपिनियन मेंशन कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।